पाकिस्तान ने ढूंढ लिया टिड्डियों का इलाज। बिरयानी प्लान करेगा इमरान की समस्या का समाधान। इसका बारबेक्यू कर सकते हैं, इसकी बिरयानी बना सकते हैं, कढ़ाई भी बन सकती है। टमाटर 200 के पार, शिमला मिर्च 200 रुपए किलो, प्याज 80 रुपए और दूध 120 रुपए लीटर। यह है कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान का रेट लिस्ट। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान के कृषि मंत्री ने इसका भी उपाय खोज निकाला। वो खोज है टिड्डी बिरयानी बनाने की और उसे पूरे मुल्क को खिलाने की। इसका बारबेक्यू कर सकते हैं, इसकी बिरयानी बना सकते हैं, कढ़ाई भी बन सकती है। शाही टिड्डी मसाला, कढ़ाई टिड्डी, टिड्डी कोरमा, आलू टिड्डी, टिड्डी बिरयानी, अब पाकिस्तान की जनता को यही खाने को मिलेगा। पूरे पाकिस्तान की जनता को पसंदीदा खुराक खिलाने की तैयारी की जा रही है। ये तैयारी की जा रही है पाकिस्तान के कृषि मंत्री इस्माइल राहू की तरफ से। मतलब मसालेदार लजीज टिड्डी बिरयानी खाओ और इमरान के गुण गाओ। इसका बारबेक्यू कर सकते हैं, इसकी बिरयानी बना सकते हैं, कढ़ाई भी बन सकती है। अब पाकिस्तान की हरकतों को क्या कहा जाए। एक तरफ पाकिस्तानी जनता महंगाई और टिड्डियों की मार से परेशान है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान टिड्डियों और महंगाई की मार से बचने के लिए अजीबोगरीब सलाह दे रहे हैं। वो अपनी भोली भाली जनता को बता रहे हैं कि कुछ लजीज खाने का मन हो तो टिड्डी बिरयानी खा लो, अगर उससे भी मन ना भरे तो टिड्डी कड़ाही बना कर खा लें। इसका बारबेक्यू कर सकते हैं, इसकी बिरयानी बना सकते हैं, कढ़ाई भी बन सकती है। दरअसल इन दिनों पाकिस्तान के कराची में टिड्डियों ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन पाकिस्तान के कृषि मंत्री इस्माइल राहू टिड्डियों के आतंक से बचाने के उपाय के बजाय उनको बिरयानी खाने की सलाह दे रहे हैं। इसका बारबेक्यू कर सकते हैं, इसकी बिरयानी बना सकते हैं, कढ़ाई भी बन सकती है। सुना आपने, जो पाकिस्तान इन दिनों टिड्डियों की मार से जूझ रहा है उसके ज्ञानी मंत्री अपनी जनता को पसंदीदा खुराक बता रहे हैं। जिस महंगाई की वजह से पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की कुर्सी खतरे में है, उसका उपाय बताने के लिए मंत्री जी नए नए डिश बनाने के तरीके बता रहे हैं। पाकिस्तान में टिड्डियों का आतंक इतना है, फसलें तक बर्बाद हो रही हैं। टिड्डियों का झुंड एक झटके में आता है और सब कुछ चट करके चला जाता है। पाकिस्तान की जनता त्रस्त है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों का पूरा ध्यान अपनी परेशानियों पर न होकर हिंदुस्तान पर टिका हुआ है। तभी तो उनके मंत्री इतना अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री ये भी बता रहे हैं कि टिड्डियों की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सच इससे कोसों दूर। बारबेक्यू कर सकते हैं, इसकी बिरयानी बना सकते हैं, कढ़ाई भी बन सकती है। शहरी परेशान बिल्कुल ना, बिल्कुल ना, कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि चल के आइए तो शहरों को खाना चाहिए। पाकिस्तान के कृषि मंत्री के इस बयान का खूब मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान के कृषि मंत्री का बयान देखकर तो यही लगता है कि पाकिस्तानी कॉमेडी सर्कस में एक नए जोकर की एंट्री हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।